हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दोपहर में भगवान शंकर के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस तिथि को काल भैरवाष्टमी या भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार 19 नवंबर को भैरवाष्टमी है। पुराणों के अनुसार अंधकासुर दैत्य ने एक बार अपनी क्षमताओं को भूलकर अहंकार में भगवान शिव के ऊपर हमला कर दिया। उसके संहार के लिए शिव के खून से भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव शिव का ही स्वरूप है, इसलिए शिव की आराधना से पहले भैरव उपासना का विधान बताया गया है। उनकी साधना से समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। काशी और उज्जैन को भैरव का सिद्ध स्थान माना जाता है। भैरव साधना करने वाले व्यक्ति को सांसारिक दुखों से छुटकारा मिल जाता है। वैसे तो प्रमुख कालाष्टमी का व्रत काल भैरव जयंती के दिन किया जाता है और 19 नवंबर को काल भैरव जयंती है, लेकिन काल भैरव के भक्त हर महीने ही कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर इनकी पूजना और अर्चना करते हैं, व्रत भी रखते हैं। काल भैरव का व्रत रखने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वर्तमान में भैरव की उपासना बटुक भैरव और काल भैरव के रूप में प्रचलित है। तंत्र साधना में भैरव के 8 स्वरूप की उपासना की बात कही गई है। ये रूप अतिसांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव और सहार भैरव है। कालिका पुराण में भी भैरव जी को शिव जी का गण बताया गया है। इनका वाहन कुत्ता है। इस दिन व्रत रखने वाले साधक को पूरा दिन ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं कालाष्टमी व्रत की विधि। नारद पुराण के अनुसार कालाष्टमी के दिन काल भैरव और माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इस रात देवी काली की उपासना करने वालों को अर्धरात्रि के बाद माँ की उसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए जिस प्रकार दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि को देवी कालरात्रि की पूजा का विधान है। इस दिन शक्ति अनुसार रात को माता पार्वती और भगवान शिव की कथा सुनकर जागरण का आयोजन करना चाहिए और जो व्रत रखते हैं उनको फलाहार ही सेवन मतलब फल का ही सेवन करना चाहिए, फलाहार व्रत ही रखना चाहिए। काल भैरव की जो सवारी है, इनका जो वाहन है वो कुत्ता है, इसलिए इस दिन कुत्ते को भोजन करवाना शुभ माना जाता है। अब जानते हैं दोस्तों कि भैरवाष्टमी यानी कि कालाष्टमी व्रत जो रखते हैं उसका फल क्या मिलता है, क्या क्या फल मिलते हैं। कालाष्टमी व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूरे विधि विधान से काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के सारे संकट दूर रहते हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं और काल भी उससे दूर हो जाता है। इसके अलावा व्यक्ति रोगों से दूर रहता है, उसके शत्रु समाप्त हो जाते हैं और उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय काल भैरव की। हर हर महादेव।